देखो टॉपिक है प्रूव एनालिटिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स। अरे आप कहोगे कर तो लिया था मैंने, कहा कब किया हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, कब किया? चार केस किए थे जो ऊपर एक्सपेरिमेंटली किया, नहीं ये देखो एक्सपेरिमेंट से किया था चार केस ये वाले, यही तो किया था कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये एक्सपेरिमेंटली किया था चार केस बना के। अब वो कह रहा है फिर से प्रूव करो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये प्रूव करो एनालिटिकली मैथमेटिकली। अगर ये स्कूल में आएगा आप चार केस ही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, ये कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक चीज़ करेंगे इसमें, आप ये बोलेंगे कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, तो कंजर्वेटिव में ये फॉर्मूला तो वैलिड है ही है, क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए फॉर्मूला हमने किया लगेगा। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस डी बाई डी एच ऑफ यू की जगह क्या एम जी एच, तो यहां पर माइनस एम जी इंटू डी एच बाई डी एच जो कि वन होता है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस एम जी। और ये फोर्स ग्रेविटी की ही फोर्स है, तो क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटी की फोर्स आ गई और ये फॉर्मूला इसमें चल गया, और ये फॉर्मूला तब चलता है जब फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव। तो प्रूव हो गया कि सच में ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है। ये चार लाइनें लिखनी है साइड पे लिख लो, ये लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बात खत्म। वैसे आएगा नहीं, आएगा तो चार केसे कर देना वो वाले, वो ज़्यादा ईजी है।